आज आप लोग इस वीडियो में कुछ ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड देखने जा रहे हैं जिन्हें तोड़ना काफी मुश्किल है। जैसे कि अभी एक पैर पे काफी देर तक खड़े रहने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है, जो कि करना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ऐसा करने के लिए शरीर में बहुत ज्यादा ही ताकत रहना चाहिए। और यह रिकॉर्ड एक ही इंसान के पास है जिसका नाम सुरेश है और वह श्रीलंका का रहने वाला है, जो कि साल 2019 में सुरेश ने एक पैर पे काफी देर तक खड़ा रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। वो भी उसने पूरे 76 आवर्स 40 मिनट तक एक ही पैर पर खड़ा होकर यह रिकॉर्ड बनाया था। 76 hours. जहाँ पर लोग आधा घंटा भी एक पैर पर खड़ा नहीं हो पाते, वहीं पर यह व्यक्ति ने लगातार 3 दिनों तक एक ही पैर पे खड़े होकर यह रिकॉर्ड बनाया है। और ऐसा करते समय यह व्यक्ति ने किसी चीज का भी सपोर्ट नहीं लिया था और इसी वजह से जब यह रिकॉर्ड हो गया था तो पूरी दुनिया का होश ही उड़ गया था, जो कि इसने ऐसा इसीलिए कर लिया क्योंकि यह व्यक्ति का फिजिकल स्ट्रेंथ सच में काफी ज्यादा लाजवाब था। अभी आप सबसे ऊंचा फ्री फॉल जंप का रिकॉर्ड देखने जा रहे हैं, जिसे करने के लिए बहादुर होना जरूरी है लेकिन उसके साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा मजबूत होना चाहिए। जहां पर दुनिया में बहुत लोगों ने फ्री फॉल जंप किया है, पर फिलिक्स नामक बंदे ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि साल 2012-14 अक्टूबर को फिलिक्स जंप करने के लिए अर्थ के सर्वेस के ऊपर ही चले जाता है, यानी 1,28,100 फीट इतनी ऊपर जाकर ये जंप करता है, क्योंकि इसी की वजह से ऐसा करते समय यह व्यक्ति का स्पीड बहुत ज्यादा ही तेज हो गया था और यही कारण की वजह से दुनिया का सबसे खतरनाक रिकॉर्ड भी माना जाता है। पर अच्छी बात यह थी कि ये पूरे जंप के दौरान ये व्यक्ति को कुछ नहीं होता और ये काफी ज्यादा सुरक्षित रहता है, जो कि इतनी ज्यादा ऊंचाई से ये व्यक्ति कुछ ही मिनटों में नीचे भी पहुंच रहा था। और जैसे ये नीचे पहुंचने वाला था तो ये व्यक्ति सेफली पैराशूट खोलकर रिकॉर्ड तो बना ही लेता है लेकिन अपनी जान भी बचा लेता है और आखिरकार ये सही सलामत ऐसा नीचे भी पहुंच जाता है। काफी देर तक ना सोने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है, लेकिन दोस्तों ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि सोना हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और ऐसा इसलिए क्योंकि सोते समय हमारे बॉडी को रेस्ट मिलता है। पर कुछ लोगों में इतना ज्यादा जुनून होता है कि वो अजीबोगरीब रिकॉर्ड ही बना लेते हैं। उनमें से ही रैंडी नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास काफी देर तक ना सोने का रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड साल 1964 में किया गया था, जिस दौरान रैंडी मात्र 17 साल का ही था। और रैंडी ने पूरे 11 दिन ना सोने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है, जो कि इसी की वजह से दुनिया में अभी तक किसी ने रिकॉर्ड को तोड़ा ही नहीं है। और रिकॉर्ड के दौरान रैंडी ने 1 मिनट का भी झपकी नहीं लिया था और इसी की वजह से ऐसा करते समय बहुत सारे रिसर्चर्स रैंडी पर मॉनिटर भी कर रहे थे, जो कि यह रिकॉर्ड के दौरान रैंडी का मूड स्विंग भी हो रहा था, इसी की वजह से वो कभी खुश हो रहा था तो कभी दुख। अच्छी बात यह है कि ये रिकॉर्ड होने के बाद रैंडी सिर्फ कुछ ही दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती था। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल होने का रिकॉर्ड। अभी हर एक एथलीट का सपना होता है कि वो गोल्ड मेडल जीते, पर इन्हीं एथलीट में से एक लेजेंड एथलीट भी है जिसके पास दुनिया के सारे एथलीट से भी सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल मौजूद है और उसका नाम है माइकल, क्योंकि इस व्यक्ति के पास पूरे 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल है और इसने अपने पूरे करियर में पूरे 5 ओलंपिक गेम्स अटेंड किए थे, जो कि साल 2000 से लेकर साल 2016 तक यह जर्नी चला था। और इसी के दौरान इसने कई प्रकार के गोल्ड मेडल भी जीते थे और आखिर में इसके पास अभी तक पूरे 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल है, जो कि अभी तक किसी ने तोड़ा भी नहीं है। सबसे ज्यादा पियानो की 1 मिनट में प्रेस करने का रिकॉर्ड। अभी आप सबको पता ही होगा कि पियानो सीखना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जब लोग सीख लेते तो उससे हम लोग काफी ज्यादा अच्छा म्यूजिक बना सकते हैं। और दुनिया में कुछ ऐसा ही एक पियानिस्ट मौजूद है जिसका नाम डोमिनी गोस है और इसने 1 मिनट में सबसे ज्यादा पियानो की प्रेस करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है, क्योंकि इसने मात्र 1 मिनट में पियानो की 824 टाइम्स प्रेस करके रिकॉर्ड बनाया था, जो कि यह दिखने में भले ही काफी ज्यादा आसान लग रहा हो लेकिन यह करना काफी ज्यादा मुश्किल है और यही कारण की वजह से अभी तक किसी ने भी यह रिकॉर्ड तोड़ा नहीं है। फास्टेस्ट 100 मीटर स्प्रिंट रिकॉर्ड। अभी इसके बारे में हर किसी को ही पता होगा क्योंकि 100 मीटर का दौड़ दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है और बहुत सारे एथलीट ने रिकॉर्ड बनाया हुआ है, पर साल 2009 में उसेन बोल्ट ने जो रिकॉर्ड बनाया था अभी तक कोई भी एथलीट उसे हासिल नहीं कर पाया है, क्योंकि उसेन बोल्ट ने 100 मीटर का रेस मात्र 9.58 सेकंड्स में करके सभी के होश उड़ा दिए थे और ऐसा करते समय उसेन बोल्ट की एवरेज भी 37.58 किलोमीटर पर आवर थी। सबसे ज्यादा रूबिक क्यूब को भी सॉल्व करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है, जहां पर बहुत लोगों को रूबिक क्यूब को सही से सेट करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, वहीं पर चाइना का यह व्यक्ति रूबिक क्यूब को मात्र 3.47 सेकंड्स में यह सॉल्व करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, जिसे अभी तक किसी ने सॉल्व भी नहीं कर पाया क्योंकि इतने सेकंड्स में तो लोग सिर्फ आधा ही क्यूब सॉल्व कर पाते हैं और इसी की वजह से काफी ज्यादा आश्चर्यजनक रिकॉर्ड था। सबसे ज्यादा स्मार्टफोन में टाइप करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। अभी हर कोई स्मार्टफोन में किसी न किसी से चैट करता ही होगा और लोग आजकल चैट भी काफी ज्यादा तेजी से करने लगे हैं, लेकिन ब्राजील का रहने वाले टीनेजर 2014 में सभी के होश उड़ा दिया था, क्योंकि 2014 में इसने दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन में तेजी से टाइप करने का रिकॉर्ड बनाया था, जहां पर इसने 25 वर्ड टेक्स्ट मैसेज मात्र 17.9 सेकंड्स में ही टाइप करके यह रिकॉर्ड बनाया था। तो दोस्तों आप लोग भी एक बार 25 वर्ड टाइप करके देखें कि आप लोग इतने वर्ड्स कितने सेकंड्स में टाइप कर पाते हैं और नीचे जरूर कमेंट करना कि आपको कितना टाइम लगा था 25 वर्ड्स टाइप करने के लिए। सबसे ज्यादा बर्गर खाने का भी रिकॉर्ड बना हुआ है और यह रिकॉर्ड मैकडॉनल्ड का बिग मैक का है, जहां पर डोनाल्ड गॉसिंग नामक व्यक्ति ने दुनिया
दुनिया में सबसे ज्यादा बर्गर खाया हुआ है, क्योंकि इसने अभी तक 32,673 बर्गर खाया हुआ है। और इसने यह जर्नी साल 1972 में शुरू किया था, जहां पर यह हर दिन 2 से 3 बिग मैक खाया करता था, और इसी वजह से अभी तक इसने पूरे 32,673 बर्गर खाए हुए हैं, जो कि लोग अपने पूरी जिंदगी में इतना कभी खाने के सोचेंगे भी नहीं। अभी बहुत लोगों को क्रिकेट खेलना और देखना काफी ज्यादा पसंद होता है, पर क्या आपको पता है कि एक सिंगल गेम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर किसने किया था? नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ब्रायन लारा नामक एक व्यक्ति ने यह रिकॉर्ड बनाया हुआ है, क्योंकि साल 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में लारा ने 400 रन बना के यह रिकॉर्ड बनाया था, और अभी तक किसी ने भी यह रिकॉर्ड तोड़ा नहीं है।